ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन इज द लिबरेटिंग प्रीमाइस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी चाइल्ड। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 12th, अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। एन ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में कोरोना वायरस के 6 पॉजिटिव मरीजों में से 3 के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने वाले अतीकुर रहमान, रऊफ और मुजम्मिल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व UP के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इन तीनों के घर दूर होने के कारण डिस्चार्ज करके इन्हें एक शेल्टर होम में क्वारंटाइन कराया गया है। जिलाधिकारी NP सिंह ने बताया कि इन तीनों पर पहले से मुकदमा दर्ज है, इसलिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3 रह गई है। मुबारकपुर मदरसे में जो तबलीगी जमात के 3 लोग प्रारंभ में जिनके पॉजिटिव आए थे, जिसमें एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना और एक गाजियाबाद के थे, उनकी दूसरी रिपोर्ट पहले निगेटिव आ चुकी थी। तीसरी रिपोर्ट भी कल रात में निगेटिव आ चुकी है, इसलिए अब वो कोरोना के संक्रमण की परिधि से बाहर होकर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होंगे। लेकिन उन्हें क्योंकि तबलीगी जमात से जुड़े हैं और इस जनपद के बाहर के रहने वाले हैं, इसलिए किसी शेल्टर होम को अभी रखा। सर, इन पर मुकदमा था और मुकदमे के विषय में SP साहब ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। आपको बता दें कि 28 मार्च को मुबारकपुर के चक सिक्टी मोहल्ले की मस्जिद से पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। इनकी लगातार दूसरी जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि इन 3 जमातियों के संपर्क में आए पिता, पुत्र और पुत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस कोरोना से पूरा विश्व कराह रहा है, उसके 3 पॉजिटिव मरीज आजमगढ़ में बिना किसी दवा के ठीक हो गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्र ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में इन्हें आइसोलेट किया गया था। तीनों कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन इनमें लक्षण नहीं थे। युवा होने के कारण तीनों का इम्यून सिस्टम मजबूत था, जिससे इन्हें दवा नहीं देनी पड़ी। सिर्फ आइसोलेट रहने से चमत्कारिक परिणाम आए, यह जनपद के लिए राहत भरी खबर है। आजमगढ़ जनपद में ये जो प्रारंभ में तबलीगी जमात के 7 लोग मुबारकपुर में फारुकिया मदरसे से पाए गए थे, उसमें से उनकी सैंपलिंग हुई थी 7 लोगों की, उसमें 3 पॉजिटिव आए थे और इन तीनों लोगों को हम लोगों ने Level 2 के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में रखा था। वहाँ के चिकित्सकों की देख रेख में ये तीनों थे और कल देर शाम को इनकी तीसरी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट पॉजिटिव थी, दूसरी नेगेटिव आ गई थी और तीसरी रिपोर्ट फिर कल देर शाम को नेगेटिव आ गई और ये आजमगढ़ जनपद के लिए बहुत राहत भरी खबर है कि जो मेन तबलीगी जमात के लोग थे
उनकी तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आ गई। चूंकि ये तीनों दो प्रदेश के बाहर के हैं और एक प्रदेश के अंदर के ही हैं लेकिन दूसरे ज़िले के हैं, तो इनको हम लोग डिस्चार्ज करा के और इनको तीनों को अभी क्वारंटाइन में आजमगढ़ में ही रखा जाएगा। सर, तो ये कैसे संभव हुआ? आजमगढ़ जैसे ज़िले में कोरोना का एक बहुत बड़ा सफल इलाज हो गया, क्या क्या उनको ट्रीटमेंट में दिया गया, कैसे क्या? देखिए, कोरोना एक वायरल डिजीज़ है और जैसे शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें जो इम्यूनिटी जिसकी जितनी है उतनी ही जल्दी इसका क्योर संभव है। तो ये तीनों जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे तबलीगी जमात के जो थे, ये इनकी उम्र जो है 22 साल, 24 साल और 26 साल के अंदर थी और अपरेंटली कोई उनको सिम्टम्स नहीं थे और उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इसलिए संभवतः इसीलिए इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई जल्द से जल्द। आइसोलेशन में क्या क्या इनके ट्रीटमेंट चला है, तो क्या क्या दवाएं इनकी चली नहीं? इनको आइसोलेशन में जो भी चीज़ें हैं, जो सिम्टोमेटिक चीज़ें होती है वही चलती हैं और मेन ये है कि उनको आइसोलेट करके रखा जाता है। दवा की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, इसमें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा, इनको आइसोलेट करके रखा गया और हल्की फुल्की अगर कोई दिक्कतें थी तो उसकी दवाइयाँ दी गई हों। आजमगढ़ की जनता के लिए भी एक राहत भरी खबर है और अब हम लोगों को उम्मीद है कि जो इनसे कांटेक्ट में तीन लोग हैं आए हुए थे, उनकी भी रिपोर्ट्स समय जब भी होगा हम लोग भेजेंगे और उसी का हम लोगों को इंतज़ार भी है। तो बधाई के पात्र हैं डॉक्टर आपके, जो हमारे समस्त जनपद के स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक हों, पैरामेडिकल्स हों, फोर्थ क्लास एम्प्लाई हों, हमारे जिलाधिकारी महोदय और उनके साथ पूरे प्रशासन के लोग, हमें पूरे प्रशासन का सहयोग मिला है इसमें, तभी जाके इतनी बड़ी सफलता मिली है और हम इसको कंटेन कर पाए हैं। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले में 4 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है जो लॉकडाउन के दौरान सामान्य बीमारियों के संबंध में मरीजों को फोन पर परामर्श देगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्र ने बताया कि सभी डॉक्टर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक फोन पर परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टरों की इस टीम में स्वयं CMO डॉक्टर AK मिश्र, जिनका मोबाइल नंबर 9415260314, डॉक्टर RR श्रीवास्तव, जिनका नंबर 9450305744, डॉक्टर परवेज अख्तर, जिनका नंबर 9450773612, वह डॉक्टर AK सिंह हैं जिनका मोबाइल नंबर 9415840539 है। महानिदेशक का एक पत्र भी आया हुआ है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं अस्पतालों में, तो हमने 4 चिकित्सकों का नाम और मोबाइल नंबर मैं पेपर में दे रहा हूं और आप लोगों के माध्यम से मैं भी कह रहा हूं कि ये लोग 8 बजे से 6 बजे तक ये चिकित्सक मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे। अगर किसी को भी इस दौरान लॉकडाउन के दौरान कोई समस्या हो तो उनसे चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। मंडली अस्पताल के चिकित्सक हैं? उसमें मंडली अस्पताल के चिकित्सक हैं, एक मैं खुद हूँ, डॉक्टर परवेज अख्तर हैं, डॉक्टर AK सिंह हैं, सबका मोबाइल नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसका समाचार पत्रों में भी मैंने इसको दिया सर्कुलेट कराने के लिए, ताकि जो भी लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं किसी भी रोग के लिए। हाँ। 3 मई तक घोषित लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय खोलने का आदेश दिया है। सोमवार से सभी कार्यालय खोलेंगे, जिसमें कार्यालयों में समूह का वखा के अधिकारियों की नियमित उपस्थिति रहेगी, जबकि समूह गा व घा के 1/3 कर्मचारी रोटेशन के तहत कार्यालय आएंगे और शेष फोन पर उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खुलने के आदेश दिए। सिर्फ जो हॉटस्पॉट एरिया है उसमें नहीं खुलेंगे, शेष स्थलों के कार्यालय खुलेंगे। समूह क और समूह ख के सभी अधिकारी उपस्थित होंगे। समूह ग और घ के 1/3 अधिकारी रोस्टर से रहेंगे और शेष 2/3 अधिकारी
दूरभाष पर कार्य के लिए उपलब्ध है। डीएम ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ मनरेगा मजदूरों को भी कार्य करने की छूट दी गई है। जो बहुत सारे प्रवासी मजदूर वापस आए हैं या जो मनरेगा के मजदूर गांव में बेरोजगारी के शिकार हो रहे थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर शेष क्षेत्र में मनरेगा के कार्यों की अनुमति दिया है कुछ शर्तों के साथ। उसमें प्रमुख शर्त यह है कि जो भी मनरेगा का कार्य होगा वह मुख्यतः केंद्रित होगा प्राकृतिक संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, जल संचयन, जल संसाधनों अर्थात तालाब नदी, जल बहाव ड्रेनेज या अपने खेत की मेड़ को ठीक करना, खेत का विकास करना, वृक्ष लगाने के लिए गड्ढे खोदना, नर्सरी तैयार करना, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को ही प्राथमिकता से पहले उन्हीं को लेना है। उसमें सावधानी ये बरतनी है कि कोई भी एक मजदूर से दूसरे मजदूर की दूरी 6 फुट होनी चाहिए, वर्कसाइट ऐसी हो, वहां पर हाथ धुलने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हो, कोई सर्दी जुकाम बुखार का व्यक्ति हो तो वो मजदूरी पर न लगाया जाए, और 5 वर्ष से कम का बच्चा किसी की गोद में हो तो उस महिला को न लगाया जाए, 65 वर्ष के उम्र के किसी व्यक्ति को मजदूरी में न लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और बीमारी के लिए जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो संवेदनशील है, उसको छोड़ते हुए प्राकृतिक संसाधनों से और व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित मनरेगा की योजनाओं के लिए सरकार ने कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया। जतकर राय कि मुबारकपुर को संक्रमण विहीन करने के लिए आसपास के 15 और गांवों में डोर टू डोर सर्वे का कार्य सोमवार से शुरू होगा। मुबारकपुर में नयापुर मोहल्ला और चकसिकटी गांव जो आपस में कंजंक्शन है, पास पास हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्षेत्र हैं, जिसमें से तीन पॉजिटिव अभी बचे हुए हैं, उसके 3 किलोमीटर की परिधि में डोर टू डोर सर्वे अधिकांश जगहों पर हो गया था। आज हमने ज्योग्राफिकल मैपिंग किया, 15 गांव और ऐसे मिल रहे हैं कि जिनमें डोर टू डोर सर्वे कराना उस क्षेत्र को संक्रमण विहीन की ओर ले जाने के लिए जरूरी है। उन गांव के भी आज हमने रणनीति बना ली है और मंडे और ट्यूसडे में उन गांव की भी डोर टू डोर सर्वेक्षण कराकर और रैंडम सैम्पलिंग प्रत्येक गांव से 10 लोगों को कराते हुए कुल लगभग 150-200 लोगों का सैंपल अगले बुध और बृहस्पति में कराकर भेजने की योजना के लिए हमने सीएमओ को आदेश दिया। वैश्विक महामारी के बीच जनपद को आपदा की इस घड़ी से बचाने के लिए हर खासो आम अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मुबारकपुर से विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली भी गरीबों निराश्रितों की सेवा में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। पिछले 25 दिनों से लगातार वह क्षेत्र सहित जनपद के लोगों के बीच राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं। अब तक लगभग 21,000 परिवारों को वह राशन वितरण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में जैसे सभी लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं वैसे वे भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक राशन वितरण के उनके प्रयास का ताल्लुक राजनीति से नहीं बल्कि इंसानियत से है। विधायक जी, ये राहत कार्य कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, आज ये 25वां दिन है, 25 तारीख से शुरू हुआ था, आज 18 तारीख हो गई तो 25वां दिन है ये आज, और ये चलता रहेगा अभी जब तक इस लॉकडाउन में, क्योंकि कठिन समय है, लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।
सरकार भी अपने स्तर पे प्रयासरत है कि सबको मिले, इसमें कोई शक नहीं, प्रशासन मेहनत कर रहा है, मगर हम लोग चूँकि समाजसेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के साथ साथ भाई इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हम लोगों का भी जिम्मेदारी है कि सब लोग मिलजुल करके इस मुसीबत के वक्त में अपने लोगों के साथ खड़े हों। आप विधायक जी, ये राहत सामग्री आप कहाँ कहाँ भिजवा रहे हैं, सिर्फ मुबारकपुर या पूरे ज़िले में, और कैसे ये आप घरों तक भिजवा रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मुबारकपुर से मैं विधायक हूं, मेरा तो विधानसभा है वो, लेकिन ये पूरे ज़िले में मैं कर रहा हूं, और लगभग अभी तक मैं 21,000 परिवारों तक राशन पहुँचा चुका हूँ। और एक बात ये बहुत उससे कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कि इसका मकसद राजनीति का ताल नहीं है जी, ये राजनीति नहीं, ये इंसानियत। मेरा मानना है कि ऐसे कठिन समय में सबको, सारे लोगों को, खाली जनप्रतिनिधियों को नहीं, समाज के संपन्न लोगों को, और लोग कर भी रहे, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ज़िले में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा जब तक थोड़े हालात नॉर्मल नहीं होते और लॉकडाउन में थोड़ा ढील नहीं हो जाती, मूवमेंट नहीं होता। छतों, गलियों, रेलिंगों, बालकनियों, बाउंड्रियों, गेटों पर पुष्प लेकर खड़े इन नन्हे मुन्हे बच्चों के साथ वयस्क लोग राष्ट्र के सजग प्रहरी पुलिसकर्मियों का अभिनंदन कर रहे हैं। कंटक से चुभन सहकर भी अपने फर्ज की अदायगी कर रहे खाकी पर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाने वाले ये सभी लोग राजीबाग मोहल्ले के निवासी हैं। पुलिस अपने सतर्कता अभियान के अंतर्गत जब मोहल्ले में पहुंची तो लोगों ने पुष्प वर्षा व तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। शहर कोतवाल के गुप्ता व ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी की टीम ने मोहल्ले वासियों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों गीत के जरिए उन्हें निराले अंदाज में प्रेरित किया। आप लोग प्रत्येक व्यक्ति से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी का फासला बनाए रखना है, सैनिटाइजर का या घर में है तो हैंड वॉश या साबुन का हर आधे घंटा 1 घंटा पे प्रयोग करना है, ये हमें अपनी आदत में डालना है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को हो गया तो ये संक्रमण फैलने में बहुत समय नहीं लगेगा और शायद 15-20 दिन तक पता भी नहीं चलता है, तो सावधानी ही आपका बचाव है। ऐसी विषम परिस्थिति शायद कभी नहीं आई है और हम सभी को जागरूक होना है, और ऐसे स्थिति में अगर आप लोग वो गाना याद करें, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत संभालो यारो, हो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन, हो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। तो इस समय हमारा वतन बिल्कुल मुश्किल में है, पूरी दुनिया मुश्किल में है, केवल आप लोगों को जागरूक होना है और एक दूसरे को आपको बताना है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी का फासला बनाए रखें, 1 मीटर की दूरी का फासला बनाए रखें, कि सावधानी ही हमारा बचाव है। आप सभी मोहल्ले वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग भी जागरूक रहिए, सावधानी बरतिए और लोगों को प्रेरित करिए। मोहल्ले वासियों ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कोरोना वॉरियर्स हमारा संबल हैं, उनकी हौसला अफजाई व सम्मान हम सब का दायित्व है। आज देश के उन राष्ट्र के सजग प्रहरी लोगों का जो अभिनंदन किया गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकले हैं। उन वीर सिपाहियों को सलाम है जो अपने सभी समस्त सुखों का त्याग करके हम जनता की सेवा इस तरह से कर रहे हैं। पुष्प अभिनंदन से ये पुलिस के द्वारा जो है जागरूकता अभियान बनाया गया था और उसी के तहत वो लोग आए हुए थे, और हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसे कार्यक्रम का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा सतर्कता अभियान चलाया गया, और हम लोग पूरे मोहल्ले की ओर से उनके बहुत ही विशेष आभारी हैं इस तरह का जागरूकता अभियान चलाने के लिए। फूलों से किया है, तालियों से किया है, क्योंकि ये उत्साहवर्धक था कार्यक्रम, और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके उन लोगों ने हमें बहुत ही प्रेरणा दिया है, और आगे भी अगर इसी तरीके का कार्यक्रम अन्य मोहल्ले में भी चलाया जाए तो
मुझे विश्वास है कि ऐसी जागरूकता हर जगह फैलेगी और लोग इससे बचेंगे, लॉकडाउन का पूरा महत्व समझेंगे। अपने वीर प्रहरियों का, कोरोना के वीर प्रहरियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपनी तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके हम सबकी सेवा में खड़े हैं, नियम का पालन करवा रहे हैं। हम सबको यही सहयोग है कि अपने पुलिस प्रहरी का स्वागत करें, उनको सहयोग दें और उनके काम में सहयोग ही सहयोग देना, उनके आज्ञाओं को पालन करना ही सहयोग होगा और कोरोना पर हम विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना महामारी को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और इसका हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, जब तक डाउन ना हो जाए, तब तक हम हर आज्ञाओं का, हर नियमों का पालन करें, इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। आज पुलिस के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है सभी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए, उसके उपलक्ष्य में ग्राम मोहल्लेवासी सब मिल करके उनका स्वागत किए, फूलों द्वारा और ताली बजा करके उनका स्वागत किया गया। जागरूक करने के उद्देश्य से बहुत ज़रूरी था ये सब चीज़ कार्यक्रम, और हम लोगों को खुशी है कि ये इस तरह कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो रहा है। महामारी और लॉकडाउन की मार झेल रहे इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल पूरा ध्यान रख रहा है। शनिवार को संगठन ने नगर के प्रमुख प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर बेजुबान जानवरों की तृष्णा व भूख को शांत किया। जगह जगह टबों पर पानी रख जानवरों की प्यास बुझाई, उन्हें लाई चना, बिस्किट, खीरा, टमाटर, घास, साग सहित बहुत कुछ खाने को दिया। संगठन के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद अफजल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते बेजुबान जानवरों के समक्ष भी भूख व प्यास का संकट खड़ा हो गया है, जिसे महसूस करते हुए संगठन ने अब बेजुबान जानवरों, पशु पक्षियों की तृष्णा व भूख मिटाने का संकल्प लिया है। लॉकडाउन में जो है सारी दुकानें बंद है, कल हम लोगों ने कई दिन तक घूम के सर्वे का देखा जा रहा, तो वहाँ पर कुछ जानवर पर भूखे बेचारे हैं, जैसे बंदर हुआ, गाय हुआ, कुत्ता हुआ, इस तरीके के जानवर हमें देखा, तो हमें लगा कि इनको भी पानी की ज़रूरत है और क्या नाम है खाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को नहीं लगा, संगठन से आए, हम लोग कार्यालय पर चिंतन किया गया, तो निकले कार्यालय से बिस्किट, चना, पानी लेकर चला गया, तो कलेक्टर कुंवर सिंह उद्यान के पास, उसके बाद कलेक्टर चौराहा, रैदोपुर स्टेट बैंक के पास, फिर रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पास, शहर के अंदर जो है जितने कुत्ते गाय उनको पानी पिलाया गया, उनको खाने के लिए चना दिया गया, बिस्किट दिया गया है, मतलब इस तरीके का योजना हम लोग चल रही है। आज हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जहाँ जहाँ बंदरों के जानवरों की टोली है, जहाँ नगर क्षेत्र में कहीं कोई जानवर भूखा नहीं रहेगा, साथ साथ इंसान को भी हम लोगों ने मदद करते हैं। इंसान को जो इस तरीके के गरीब परिवार हैं जिसको खाने के लिए तय वो नहीं हो रहा, तो खाने का पैकेट कार्यालय पर हमारे यहाँ 200-400 पैकेट सुबह शाम मिला के बन रहे हैं, खाने का पैकेट इंसानों को दिया जा रहा है, और जानवरों को जो है इस तरीके का देखे मानव हैं वो भी है, जानवर इंसान तो होते हैं, एक जैसा होते हैं, उनको भी वो भी भूखे ना रहे, तो उनके लिए बंदर के लिए चना और गाय के लिए कुत्ते के लिए जो है बिस्किट है, खीरा है, टमाटर है, घास है, उनकी साग है, इस तरीके का हम लोग इकट्ठा करके एक एक करके हम लोग पर डे खिलाने का कार्य कर रहे हैं।